खुजली करने का भी ये कोई तरीका है? पब्लिक प्लेस पर, सबके सामने, और इस अंग पर जो किसी भी तरह से अशोभनीय कहा जा सकता है। आज इसी पर जानकारी देने जा रही हूँ कि खुजली किस तरह से करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, और आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि जो खुजली होता है वो शकुन शास्त्र में बहुत महत्व रखता है, और शकुन शास्त्र पर इस पर बहुत सारी किताबें लिखी भी गई हैं कि किस अंग पर खुजली करने से आपको क्या मिल सकता है। ऐसी विस्तृत विवेचना हमारे शास्त्रों में की गई है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, वो देखना आप, बहुत अच्छा वीडियो है। लेकिन ये क्या बात हुई, कैसे अंग पर कैसे कैसे जगह खुजली करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वो ज़िंदगी भर अमीर नहीं बन पाते, वो ज़िंदगी भर तरक्की नहीं कर पाते, वो ऐसे ही स्थिति में रहते हैं जैसे जन्मजात स्थिति में वो थे, तो उनकी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। अगर आपको भी प्रोग्रेस करनी है तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कुछ सीखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्व का है और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर रूमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके हालचाल को जानकर। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, परमात्मा की कृपा उन पर बरसती रहे, मैं यही दुआ उनके लिए करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक डॉक्टर रूमाश्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती जाएगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत रोचक है और जानना ज़रूरी है। मित्रों, हमने बहुत से लोगों को कोई क्रिया करते देखा है जो हमारी नज़र में अशोभनीय है। एक सब्जी वाला है और वो उसकी क्या आदत है, जो उसकी सब्जी में ठेले में आती है, जैसे मटर आई, तो वो सबसे पहले तो श्री गणेश करता है उस मटर को खाने से। लेकिन श्री गणेश करे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना चाहिए, वो उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और उसको हाथ तो कम से कम धोने चाहिए। वो झूठे हाथों से कोई भी सब्जी लेने आता है उसको वो सब्जी देता है, स्पेशली जो मटर है वो भी दे ही देता होगा, हमने देखा तो नहीं लेकिन दे ही देता होगा। उससे भी बड़ी हरकत या बुरी हरकत, उसकी आदत है नाक में उंगली देने की, और नाक से उंगली में से आप वो नाक निकालता है और हाथ ऐसे इधर उधर पोंछ देता है उसको, और उन्हीं हाथों से सब्जी दे देता है ग्राहक को, ये तो हमने देखा है। तो ये कितनी गंदी बात है, वो अपने प्रोफेशन के साथ कितना बुरा करता है, और उसको उसके मन में ये भावना ही नहीं आती कि अरे मैं हाथ तो धो लूँ, ऐसी भावना उसके अंदर आती ही नहीं है। और कई जगह खुजली भी होती है, कान में भी खुजली करता है इंसान, नाक में भी खुजली करता है, अक्सर कान में भी उंगली डालता है वो और कान में भी खुजली करता है, और उसकी आदत इतनी गंदी है कि कान में खुजली डाली और उस कान में खुजली करी, उसके बाद उसको खुद को ही हमने मटर बिना हाथ धोए खाते हुए देखा। अब बताइए ये क्या बात हुई, उसके मन में इतनी भी मानवीयता नहीं है कि वो अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर सके और हाथ तो कम से कम धो सके। कोई कुछ नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो है ना, एक अद्वितीय शक्ति तो है ना जो उसको देख रही है, लेकिन उसके अंदर मानवीयता हो तब ना। इसी प्रकार से उसका जो पिता है, वो तो उसका भी बाप है, रियल बाप है, हरकतों में बता रही हूँ, हरकतों में रियल बाप है। वो अपने ऐसी जगह पर खुजली करता है अपने पुत्र के सामने जहाँ उसको नहीं करनी चाहिए। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मैं समझदार हैं, गुणी जन हैं, किस जगह खुजली करना अच्छा नहीं है वो वहाँ खुजली करता है। खुजली किसी को भी हो सकती है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुजली का एक तरीका होता है। आप खुजली बाथरूम में जाके कर सकते हैं, कोई आपको देखे नहीं, आपके बारे में गलत राय नहीं बनाए, ऐसी जगह पर आप खुजली कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उसकी अपनी संतान देख रही है, अपना बेटा देख रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बेशर्मी भी बोलते हैं। अब उन लोगों की नज़र में बेशर्मी नहीं हो तो हमारी नज़र में तो बेशर्मी है, क्योंकि ये हरकत पब्लिक प्लेस पर नहीं करनी चाहिए, ये हरकत अशोभनीय होती हैं, ये हरकत आपको शर्मसार नहीं कर सकती, लेकिन आपके बारे में लोगों की राय बना सकती है, क्योंकि आपको तो शर्म नहीं है कभी कोई भी, और ऐसे लोगों को शर्म नहीं होती मित्रों, आप समझते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस पे ऐसी जगह खुजली करना या
नाक में उंगली डालना या कान में उंगली डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और अच्छा माना नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पार्ट हैं बॉडी के, ये साफ़ करने ज़रूरी हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन इसका तरीका होता है और इसके तरीके को ये लोग नहीं जानते और इसीलिए गरीब हैं। गरीबों को आप अक्सर देखा करिए, उनकी ऐसी ही आदतें होती हैं जो अमीरों में नहीं होती है। तो आप इस वीडियो से कुछ सीखिए, और आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए, मतलब आप गुणीजन हैं, आपको क्या समझाऊं मैं, आप तो ऑलरेडी इन सब बातों को समझते होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आप सहमत हैं कि नहीं, ये हरकत गंदी श्रेणी में आती है कि नहीं। आप इससे सहमत होंगे, मैं तो आपको ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं गुणीजन हैं, मेरे वीडियो देखने वाले बहुत गुणीजन हैं, उत्तम चरित्र के व्यक्ति हैं और उनका धन का जो भाव है उत्तम ही होगा। तो इस हरकत को अगर जो गरीब लोग देख रहे हैं वो समझ जाएँ कि ये हरकत आपकी तरक्की में बाधा पैदा करती हैं और इनको कभी भी अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही था, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना। थैंक यू सो मच।